अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सरप्राइज हो गए ना, आज भी ईद मुबारक। अरे भाई, मेरे लिए तो पूरा हफ्ता ईद का है। साल में एक दफा तो ईद आती है, ये वाली ईद ईद फितर ना। और जब ये आती तो मेरे चाहता है कि मैं इस पूरे वीक को सेलिब्रेट करूँ। जाहिर है माशाल्लाह पूरा महीने रोजे जो हमने रखे हैं तो इसको सेलिब्रेट तो करना चाहिए। जब पिछली ईदें जो गुजरी हैं उसमें तो ये होता था कि दिन बटे होते थे कि एक दिन हमने मैके जाना है, एक दिन हमने ससुराल की दावत करनी है, एक दिन हमने अपने दोस्तों को टाइम देना है, एक दिन हमने अपने पड़ोसियों को बुलाना है घर पर या उनके घर जाना है, और एक दिन हमने अपने कलीग्स को तो बुलाना ही बुलाना है घर पर, और एक दिन कोई ऐसा है जिस दिन हमने बाहर निकलना है। अब आप ये देख लें कि ईद पर मुझे लग रहा है पूरे हफ्ते की छुट्टियां मिली है ना। गिन लें, अगर आप हिसाब लगा लें तो आपकी कोई 5-6 छुट्टियां तो हो गई ना। तो उसके लिए अब लॉकडाउन है, आप कहीं जा नहीं सकते, तो आप टीवी ही देखेंगे। तो मैंने कहा इस साल तो जरूरी है कि आज का शो भी, यानी चौथे दिन का शो भी, हम जरा धूम धड़क्के से सेलिब्रेट करें, क्योंकि मेरे नाजरीन घर पे बैठे हैं, वो बोर ना हो रहे हों। उनको एंटरटेन करने के लिए उनके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाना बहुत जरूरी है। ये वो गेस्ट होते हैं जो आमतौर पर हमारे शोज पर नहीं आ पाते अपनी ड्रामों की मसरूफियत की वजह से, लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन है इसीलिए इन सब ने हमें इतनी आसानी से टाइम भी दे दिया और हम कामयाब हो गए आपको एंटरटेन करने में। वैसे हर किसी की कोई ना कोई जिम्मेदारी होता है, कोई ना कोई पैकेज होता है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ एज होस्ट, एज मॉर्निंग शो होस्ट, मेरी जिम्मेदारी, मेरा पैकेज ये है कि मुझे आपको सुबह सुबह एंटरटेन करना है। खुद चाहे दिल में कुछ हो, तबीयत खराब हो, मुस्कुरा के हंस के पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजनी है ताकि आप अपने सुबह का आगाज अच्छा कर सकें। आपको इंफरटेनमेंट भी देनी है, साथ साथ आपको सही टोटके टिप्स भी देने हैं, आपको अच्छी बुरे की बातें भी बतानी है, लेकिन बहुत सारी नसीहतें नहीं करनी क्योंकि मुझे आपको बोर नहीं करना, क्योंकि मजा करना है तो मजे ही मजे में बहुत सारी चीजें सिखानी है। वो सारी चीजें जो हमारी हाउसवाइफ्स घर में रहकर सीखना चाहती हैं, मेकअप, खाना, पहनना ओढ़ना, थोड़ा बहुत बोलना चालना। बहुत पढ़ी लिखी बातें नहीं करती मैं अपने शो पे, उसकी रीजन ये कि बचपन से लेकर जवानी तक स्कूल कॉलेज ये सब तो हम कर रहे होते हैं। इस वक्त जब आप घर में बैठे हुए हैं ना, तो मैं तो भाई एंटरटेनमेंट वाली ही लाइन पर रहती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इधर उधर जरा शेर व शायरी और पढ़ी लिखी गुफ्तगू में जाती हूँ। आप देखते भी नहीं, रेटिंग भी नहीं आती हूँ जो उसकी, मैं क्या करूँ। बहरहाल सबके पैकेजेस को लेकर अगर हम चलें तो सबसे पहले आता है अब्बा का पैकेज। हमारे वालिद साहब, वालिद मोहतरम जो है, वो एक पैकेज लेकर दुनिया में घूम रहे होते हैं। उनके ऊपर एक लेबल लगा होता है, जिम्मेदारी का लेबल, और वो है कमा के लाना। कमाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, बीवी बच्चों को पालना, दवा दारू करना, बिल्स जमा कराना, फीस पे करना, और ऐसी बहुत सारी, बच्ची की शादी कराना है भाई, और क्या कोई कोर्स करना है तो उसके पैसे देना, हर चीज का जवाब होता है। अम्मी के पास जाओ तो को अपने अब्बा से मांगो, घूमने फिरने जाना, खाने पीने, कोई पॉकेट मनी लेना अपने अब्बा से मांगो। तो ये एक पैकेज है जो अब्बा की जिम्मेदारी है और उनके बैग में ये पैकेज होता है। तो फिर आ जाए आप अम्मा के ऊपर, घर की माँ, घर के निजाम को चलाने का पैकेज ये शामिल है उनकी जिम्मेदारी। बच्चों की तरबियत, अगर बच्चे अच्छे हैं तो वो अब्बा के, अगर बच्चों ने जरा भी कोई बदतमीजी की, हाँ भाई इनकी अम्मा ने तो उनको कुछ सिखाया ही नहीं, तो आगे जिम्मेदारी अम्मा के ऊपर बच्चों की तरबियत की। और घर में अच्छा खाना पकेगा तो ही वो भी अम्मा की जिम्मेदारी। अरे भाई बहुत भूख लगी है, पेट भरने की जिम्मेदारी किसकी है? अम्मा की। मेहमानों को अच्छे अच्छे खाने पका कर मेहमान नवाजी करना, एनवलप में कितने किसको पैसे देना है, रख रखाव खानदान से किससे किसको मिलवाना, ये सब है अम्मा की जिम्मेदारी।